कहते हैं ज़िंदगी एक जर्नी है। आज मैं एक ऐसी ही अनोखी जर्नी पे आपको लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दमन में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है गुजरात स्टेट के बॉर्डर के पास, अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक शहर जो बेहद ही शांत और ब्यूटीफुल है, जो एक कोस्टल एरिया है। दमन एंड दीव, ऑल्सो दादरा नगर हवेली, वे वंस पार्ट ऑफ अ कंबाइंड यूटी अलोंग विथ गोवा बिफोर गोवा बिकम अ स्टेट इन 1987। देखेंगे कि दमन कैसा है, क्या है, क्या घूमने लायक वहाँ पे स्पॉट्स है और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम लोग, वो सब देखेंगे वहाँ पे। और जितना हो सके हम लोग उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम लोग मोटी दमन फोर्ट एरिया में और ये लाइट हाउस के बिल्कुल बगल में है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, जो कि यहाँ का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। अभी आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं डोमिकन मॉनेस्ट्री, जो बेहद ही फोटोजेनिक है और इसे एक बार विज़िट करना बनता है। Thank you.
बॉम जीसस चर्च दमन का सबसे पुराना चर्च है। फ्रेंड्स, ये है डोमिनिकन मॉनेस्ट्री जो पहले एक चर्च हुआ करता था। फेमस लैंडमार्क ऑफ दमन, नानी दमन जेटी एंड मोटी दमन लाइट हाउस आर सिचुएटेड विद इन द फोर्ट एंड कमांड्स अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द नानी दमन फोर्ट एंड रिवर दमन गंगा। द सनसेट व्यू फ्रॉम द टावर विल श्योरली Take your breath away. अभी हम आए हैं सेंट जेरोम फोर्ट नानी दमन। इस फोर्ट को 1614 में बनाना शुरू किया गया और इसे बनते बनते 50 साल लग गए और ये 1672 में कंप्लीट हुआ। इसे मुगल्स के अटैक से बचने के लिए स्पेशली बनाया गया था। फोर्ट के अंदर एक चर्च है जो कि सेंट जेरोम को समर्पित है और एक स्कूल है और एक ग्रेवयार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। ये फोर्ट की लोकेशन काफ़ी सुंदर है। आप यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ और अपने वीडियोस ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर मदर टंग गुजराती है और काफ़ी सारी पॉपुलेशन यहाँ पे गुजराती ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी तरह समझी और बोली जाती है। यहाँ पर मल्टी कल्चर होने की वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दमन को वैसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से दमन ब्रिज का व्यू बेहद ही शानदार लग रहा है। ये दमन का दुबई मार्केट है जो सबसे पुराना मार्केट है और काफ़ी फेमस है शॉपिंग के लिए।
फ्रेंड्स, ये देवका बीच का शॉपिंग एरिया है जहाँ पे आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। यह काफ़ी सस्ता और स्टाइलिश क्लोथिंग मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सामने टैंक दिख रही है, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूज़ की गई थी। अभी हम लोग आए हैं दमन जेटी पर और ये मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा ही दिखता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग
आए हैं मोती दमन लाइट हाउस के पास। यहाँ पे बीच का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। दमन और दीव का एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होने के बावजूद दोनों में डिस्टेंस 650 किलोमीटर का है। लाइट हाउस के अंदर की साइड में हॉस्पिटल है, जेल है, ऑफिसेस हैं और रेसिडेंस भी है। अंदर का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल होता है।